स्वागत है दोस्तों। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व सीएम रमन ने सीएम भूपेश पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री जानबूझकर बिगाड़ रहे कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर समय नहीं और यूपी के लिए हो रही पीड़ा। सीएम भूपेश बघेल मंगलवार को लखनऊ एयरपोर्ट में धरने पर बैठ गए। इसे लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के नाते कानून तोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में घटनाएं होती है, वहां तक जाने के लिए समय नहीं है। यूपी के लिए बहुत पीड़ा हो रही है क्योंकि कुछ प्रभार मिल गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी के मृतक किसानों के परिवारों से मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट में रोक लिया गया। इसके विरोध में सीएम बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिना किसी आदेश के मुझे लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोका जा रहा है। सीएम भूपेश ने कहा था कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है तो उन्हें सीतापुर तक जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि लखनऊ में धारा 144 लागू है तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यक्रम कैसे कर लिया। उन्होंने बताया कि वे सामान्य यात्रियों की तरह 27A में बैठे थे। भूपेश बघेल ने बताया कि सामान्य यात्रियों के साथ वे नीचे उतरे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बस में अलग से ले जाया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में सूबे की सियासत गर्मा गई है। हालांकि यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जाँच करेंगे।